अनोखे पक्षी की अबाबिल पक्षी की। अबाबिल पक्षी दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है और ये भारत में भी मिलते हैं। इस पक्षी की कुल 83 प्रजातियां पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसको बताशी और काली चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसे चमगादड़ के जैसे दिखने के कारण चमगादड़ भी मान लेते हैं। यह गलत है। एकांत माहौल में रहना पसंद करता है और वहाँ पर चमगादड़ भी रहते हैं। चमगादड़ इनके बच्चों इनके अंडों का आसानी से शिकार कर लेते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला गीली मिट्टी और पंख से बनाती है। इस पक्षी का आकार गौरैया जैसा ही होता है। ये पक्षी कई रंग में मिलते हैं, नीला, काला, सफ़ेद इत्यादि रंग में भी होते हैं। पक्षी का वजन करीब 25 ग्राम तक होता है। नर और मादा की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है। नर की पूंछ मादा से लंबी होती है। मादा अबाबिल की पूंछ लंबी और सीधी होती है। मादा अबाबिल करीब एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। यहाँ पर एक छोटा सा घोंसला है जो अबाबिल ने बनाया है। इस पक्षी को इंग्लिश में स्वेलो बर्ड कहते हैं। स्वेलो इसलिए कहते हैं इसलिए इसका भोजन प्राप्त करने का तरीका, यह ऊंची उड़ान भरकर इसका मुंह खुला रखता है ताकि इसके मुंह में छोटे छोटे कीड़े मच्छर आ सके, वो उनका भोजन है। इस पक्षी को इंग्लिश में स्वेलो बर्ड कहते हैं। स्वेलो इसलिए कहते हैं इसलिए इसका भोजन प्राप्त करने का तरीका, यह ऊंची उड़ान भरकर इसका मुंह खुला रखता है ताकि इसके मुंह में छोटे छोटे कीड़े मच्छर आ सके, वो उनका भोजन है। इस्लाम धर्म के ग्रंथ में भी अबाबिल पक्षी का उल्लेख किया गया है। अबाबिल मूलतः अरबी शब्द है, हिंदी में अर्थ है पक्षियों का झुंड। ये पक्षी ज़्यादातर नदी, पुल, तालाब के किनारे मिलते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े और मच्छर वगैरह ज़्यादा मिलते हैं और वह उनका भोजन है। यहाँ पर भेड़ नीचे पौधे खा रही है, उनमें से छोटे छोटे कीड़े और मच्छर निकल रहे हैं, तो वो अबाबिल यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर उनका भोजन आसानी से प्राप्त हो रहा है। यह पक्षी बहुत ही सुंदर है। ये भगवान की अनुपम देन है। आप इसको जहाँ भी देखें इसकी रक्षा करें।